तीन तीन मुझे कार्टून बना दिए। मुझे किस तरह की गर्ल्स बहुत पसंद है, क्या मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ? वन टू थ्री। आज है ना आप ही आज है यार, आज ही आप देखे सारी तैयारी हो चुकी है, आज है जल्दी से आए यार। ये ना मतलब ना नए से नए प्लान करती रहती है। क्या करने लगे आज हम? मैं बता दूं आपसे? नहीं बताया जा रहा है मुझे। तुम अभी जब आज सारे चैलेंज करने वाले हैं। Oh well, we know each other. This is going to be our next challenge. और देखो मैंने आपके लिए ठंडा ठंडा पानी भी रखा है, बर्फ डाल। इसमें क्या करना होगा? मैंने ऐसे आपका फेस पकड़ के ऐसे डीप करना है ऐसे, और 3 सेकंड तक अंदर डीप रखना है आपका फेस। वजह क्यों? जब आप मेरे सवाल का गलत जवाब दोगे, अगर आप मुझे नहीं जानते होगे सही से, तो पनिशमेंट तो मिलनी है आपको। मैंने भी इसलिए पाउडर रखवा दिया आगे। गाइस ये देखें, अगर ये कोई आंसर सही नहीं देगी मैं तो जीत जाना है। और फिर इसका मुंह मेरे पाउडर में डालना है, ठीक है? मेरे फेस पे एक दफा भी पाउडर नहीं लगना, मैं तो जीत जाऊंगी, देखना आप। आइए देखते हैं यार, इससे पहले मैं पानी में डूबूं, मैं जल्दी से पानी पी लेता हूँ भाई। पी लो पी लो। मैंने बड़े मजे मजे के क्वेश्चंस निकाले हुए, ये सारी मेरी लिस्ट है, ठीक है? so पहले, मैंने आपको नहीं दिखानी। पहले तुम क्वेश्चन करोगी या पहले मैं? दिखाए ना थोड़े। नहीं पहले एक नजर। चीटिंग करता है तू। नहीं चलो तुम पहले अपना क्वेश्चन बोलो, क्या है तुम्हारा क्वेश्चन, मैं फिर करता। अच्छा वैसे आप तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ, और मैंने मेकअप करना है। मेकअप नहीं आता आपका, फेस धुलवाना है मैंने इस पानी से। उफ ओके चलो यार, ये वैसे पानी मुझे गंदा लग रहा है, छप्पड़ से तुम लेके। बस कुछ सोच लो आप, कुछ तो है इसमें, गंदा नहीं है ये, बर्फ वो मैं हो रही है ना, तो बर्फ के पार्टिकल्स हैं। अच्छा बर्फ के पार्टिकल्स हैं, ओके। चलो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, इजी से शुरू करते हैं, आपके लिए बहुत आसान। ओके ठीक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या? कितना इजी है तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ? तो इतनी इजी है कि पूरे पाकिस्तान को याद हो सकती है। तो बता देना आप। 1st Jan 2001। आगे नहीं कुछ बताते ना, सिर्फ 1st Jan ही बताने। 1st Jan 2001। भाई तुम 2001 मॉडल हो, हम देखो हम 90s के मॉडल है। क्लैपिंग सही जवाब है। बिल्कुल सही आंसर दिया। अरे क्लैपिंग करो पापा के लिए। अब तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर देना देखना। क्लैपिंग कर रही है आपके लिए। अब तुमने मुझे क्वेश्चन का आंसर देना देखना, तुम कितना सही देती हो, ठीक है? क्वेश्चन क्या? बड़ा इजी क्वेश्चन है, मैं भी पहले हम आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल की तरफ आएंगे। सो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे खाने में क्या पसंद है? मटर। ये तुम्हारा आंसर है? अच्छा आपको खाने पे पसंद है सर? तेज हो रहा है, मजाक कर रही हो अभी मेरा कोई क्वेश्चन? अच्छा शेष का तरीका ठीक है, 5-6 चीजें थी, मैं अगर मेरा रिएक्शन देखा अगर नेगेटिव है तो मैं मजाक कर रही हूँ। नहीं ये क्या बात है, शेष बताओ। अच्छा आपको खाने में चाइनीज पसंद है, चलो सही है यार, जो तुम्हें दिया एक पॉइंट, क्या याद करोगी तुम? सही है, अभी तक एक पॉइंट मुझे भी मिल चुका है और आपको भी, ठीक है? बल्कि आपने सही दिया था कोई आंसर मुझे? मैंने सही दिया था आंसर। अच्छा मेरा शू साइज क्या है? इसके शूज मैंने अभी लिए, बल्कि कल लिए हैं, 2-3 कल गए हैं अभी हम, बताओ। 7 नहीं गलत, 6 है। चल छुट्टी 6 है। चलो बाकी नहीं यार बाकी। अच्छा सही बात है, मेरा 6 और 7 के दरमियान है, कुछ आर्टिकल्स का मुझे 6 नंबर आता है और कुछ का मुझे 7 आता है। थैंक गॉड, मैं कहूं यार मैंने भी कल इसके शूज के 2 पेयर लिए हैं। चलो तो पॉइंट आपको दिए मैंने, वैसे बनता नहीं था लेकिन मैं आपको दे रही हूँ फिर भी। अरे क्लैपिंग करो पापा के लिए, क्लैपिंग क्लैपिंग नाइस। ओके सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मुझे क्या खरीदना पसंद है ज्यादा? शूज। अक्सर आपने मेरे साथ जाके शूज ही बहुत लिए हैं कपड़ों के बजाय तो। शूज, आई एम वेरी फैसिनेट अबाउट शूज। और अभी मैंने लास्ट टाइम एक शूज लिए थे, कौन से भला? 35,000 के। ओए ओए ओए, मेरी लाइफ के सबसे महंगे शूज भाई। तो ये सही है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, 100%। तो 2 पॉइंट्स मुझे मिल गए। वाओ
डन वी वेर अभी तक वी वेरी वेल नाउ ईच अदर ठीक है अभी पता लग जाएगा अक्सर ना बॉयज को डेट्स बहुत जल्दी भूल जाती हैं अच्छा ये दिन कब था हाँ किसी को याद ही नहीं होती आज मैं आपका टेस्ट लेती हूँ आपको याद है या नहीं क्योंकि लड़कियों को तो जुबानी डेट क्या दिन क्या टाइम भी याद होता है अच्छा लोगों को तो ये नहीं याद होता उन्होंने कल क्या खाया हमारे रिलेशनशिप को कितना टाइम हो गया है तीसरा क्वेश्चन है ये मेरा अब तक दो पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं हमारे रिलेशनशिप को सही सही बताने बिल्कुल सही सही इयर्स में बताना ना इयर्स में बताना चार साल चल झूठा चार साल हो खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया चार साल लेकिन चार नहीं हुए इसमें आपका ये क्वेश्चन आंसर गलत है अब आपको मैंने डिप करने जल्दी 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 से डिप करने आपको मैंने आयरा को तो नहीं ना डिप करा हाँ आयरा को नीचे खड़ा कर दो अब अगला क्वेश्चन भी मैं ही आपसे करूंगी जब तक आप ठीक आंसर नहीं दोगे आपकी बारी नहीं आएगी अच्छा जी बिल्कुल ऐसे ही होता है सारे तुम्हारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे अच्छा सिर्फ इतना कम आप मुझे जानते नहीं, हो नहीं मैं बहुत जानता हूँ बताओ बताओ वो तो भी हमें पता लग गया एक इंसान को यही नहीं याद कि हमारे इस रिलेशन को कितना टाइम ठीक है मेरा ज़ोडियक साइन क्या है यार ज़ोडियक साइन अगर सही से मुझे पर्सनली चूंकि इसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है मुझे सिर्फ अपने ज़ोडियक साइन का पता है कि मेरा लियो है So, मैंने अपना पूछा आपने नहीं मुझे नहीं पूछा। देखो मुझे ये पता है जनवरी आप जनवरी का ज़ोडियक साइन क्या होता है भाई मुझे नहीं पता मैं ज़ोडियक साइन में इंटरेस्टिंग चलो मैं आपको हिंट दे देती हूँ टोटल 12 ज़ोडियक साइंस होते हैं मेरा 10 नंबर पे आता है मुझे ज़ोडियक साइन सारे नहीं आते और एक और हिंट लास्ट हिंट है मेरे मेरा जो ज़ोडियक साइन है ना उसके फर्स्ट 3-4 लेटर्स है ना एक सॉप का नाम भी बनता है उसके फर्स्ट 4 लेटर से कैंसर कैंसर कौन सा सॉप है आप मुझे ये बता दें कैंसर प्रोटेक्शन सॉप ऐसा कुछ भी नहीं है आपका दूसरा गलत है ये यार मुझे नहीं पता ज़ोडियक साइन का ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको सच में नहीं याद आप बता दो आप उधर कैमरे में देखकर कह दो मुझे नहीं पता यार मुझे ज़ोडियक साइंस का नहीं पता चलिए मैं बता दूं मेरा कैप्रिकॉर्न और कैप्री एक बिस्किट होता सॉप होता है मेरा कैप्रिकॉर्न है ओके कैप्रिकॉर्न अब मेरा फिर से मेरा क्वेश्चन यार ये क्या बात हुई यार सारे तुम्हारे तो बारी ही नहीं आनी अच्छा चलो आपको बारी दी अब आप पूछ लो पक्का पक्का आपको बारी दी देखो मैं कितनी रहम दिल हूँ मैं पूछता हूँ मेरी 3 क्वालिटीज जो बहुत कम मर्दों में होगी वैसे मर्द सारे एक जैसे ही होते हैं अच्छा क्वेश्चन क्या था मेरी 3 क्वालिटीज जो बहुत कम मर्दों में अच्छा मर्द हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन हार्ड वर्क के साथ आप स्मार्ट वर्क भी करते हो एक ये है दूसरा आप बुक्स पढ़ते हो दैट्स गुड और तीसरी क्या हाँ हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क के साथ साथ आप लाइफ को एंजॉय भी करते हो वरना बहुत से लोग ऐसे होते हैं हार्ड वर्क के साथ ही वो अपनी जिंदगी गुजार देते हैं वो लाइफ को एंजॉय नहीं करते आप में ये भी है क्या बात देखा है यार, मुझे अभी तक एक बार भी पाउडर नहीं लगा अब मेरी बारी है आपका क्वेश्चन हो चुका है अच्छा मेरा फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट क्या है तुम्हारी फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट लिप ग्लॉस नहीं हाँ लिप ग्लॉस तुम लगे बहुत अच्छा पसंद है तुम्हें हाइलाइटर देखो सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स हाइलाइटर पसंद है ना नहीं हाइलाइटर पसंद है तुम्हें नहीं गलत है और कुछ ले और क्या पड़ा हुआ है अब मैं देख लेता हूँ पूरा मेकअप ही पड़ा हुआ है उधर तो फाउंडेशन बहुत पसंद है मैंने कब लगाई है इतनी फाउंडेशन अभी भी कुछ नहीं है हाँ तुम्हारा मेकअप जो फेवरेट प्रोडक्ट है वो है सनब्लॉक सही सनब्लॉक के साथ टिंट ओके थैंक यू शुक्र है एक तो मेरा सही निकला अगला क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड मुझे किस तरह की गर्ल्स बहुत पसंद है मेरी तरह की ए बॉय
बताओ सही है या गलत है यार ये तो बड़ा क्विक आंसर था ऑब्वियसली स्वेटर गर्ल पसंद है तभी तो मेरे से शादी सही है सही खेल गई ना मैं सही खेल कुछ और बंदा कह भी नहीं सकता ना गलत कह सकते हो ना कुछ चल आगे ओके हमारी वेडिंग डेट क्या है देखना मैंने सारे लड़कियों वाले क्वेश्चन रखे हैं यार इसने सारे ऐसे रखने चाहिए तुम्हें सारी डेट्स आ रखी इसको पता है लड़कों को डेट्स याद नहीं रहती लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है क्या 7 अक्टूबर पूरी बताओ अच्छा जो पूरी नहीं बतानी चाहिए थी उसमें साथ ईयर भी बताया 7 अक्टूबर 2023 अच्छा वैसे ये गलत है मंथ गलत है सितंबर 7 सितंबर है 7 नवंबर 2023 कितने बच्चे रखना चाहता हूँ आपकी ख्वाहिश बताऊँ या हमारी प्लानिंग मेरी ख्वाहिश बता मैं कितने आपका बस चले तो आप पूरे क्रिकेट टीम बनाओ अच्छा 4 मजाक से हटके 4 अब ये ना कहना 8 गलत है और कितने है 2 या 1 ही काफी है 3 चल बेटा ये जान के गलत कह रहे हैं ना कुछ इतनी दफा कहा बच्चे 3 ही अच्छे 2 ही अच्छे होते हैं 3 बच्चे मेरे कहा था मैंने कहा यार 3 बच्चे बिल्कुल ठीक है 4 पे तुम लेकिन लोगों के सामने मुझे बदनाम करना चाहती हो तुम हैं 3 बच्चे गाइस 3 वैसे बच्चे 2 ही अच्छे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा तुमने गलत बताया ना हां तुम्हारा रूल चलेगा यहां पे चल बेटा मैं कब बहुत ज्यादा परेशान होता हूं जिस दिन ऑर्डर कम आ जाए जिस दिन चाहे पूरा दिन अच्छे से अच्छा ऑर्डर है लेकिन एक भी कम आ जाए ना काउंटिंग के हिसाब से आप परेशान हो जाते हो दैट इज सो ट्रू बिल्कुल ऐसा ही होता है अभी तक बेल नहीं आई अभी तक कोयल की आवाज नहीं सुनाई थी कोयल की आवाज मैं कहता हूं गाइस वो जो ट्रिंग की आवाज होती है शॉपिफाई की सुनवा देंगे आपको यहां पे ये वाली आवाज जब नहीं आती ना मुझे बड़ी टेंशन होती है अब मेरी बारी है ना ये साफ कर सकते हैं वैसे नहीं बिल्कुल भी नहीं देखना क्या देखो मेरा पानी दिल के मुंह साफ हो जाता है कितना तेजा मुझे आपकी जगह ना कुछ और रखना चाहिए था मेरे पास लिपस्टिक्स के कितने कलर हैं मैं गिन के आता हूं नहीं देखे बगैर बताना आपने कहीं आंखों से ऐसे काउंट कर रहे हो 1 2 3 6 बिल्कुल भी नहीं मेरे पास पैलेट्स भी हैं लिपस्टिक पैलेट्स भी हैं तो सही बताओ अब मुझे क्या पता कलर तो फिर कितने भी हो सकते हैं 12 होंगे नहीं कितने गलत सही से बताएं सही से मुझे नहीं पता ना कितने 12 से करीब ही हो आप 9 गलत है बस इतने ही होते मेरे पास 18 टोटल कलर्स हैं नहीं साफ नहीं करना ऐसे ही रहने देने जैसे मुझे कार्टून बनाया हुआ आपने ये तो फिर खुद ड्राई हो जाना गाइस असल में नुमान का ना फेस वेट हो जाए ना तो नुमान को बहुत चिड़चिड़ती इसलिए मैंने पानी रखा फेस साफ नहीं करने देना तीन चीजें जो मुझे आपके बारे में पसंद है तीन चीजें जो तुम्हें मेरे बारे में पसंद है पहली बात कि मैं बड़ा हार्ड वर्क हूँ और कुछ इससे तो मुझे चेड़ है कि आप काम काम ही करते रहते हो ये पसंद कहाँ से आया अच्छा मैं बड़ा हैंडसम हूँ ये आपको कब से खुशफहमी है अच्छा नहीं ये तो एक तो सही है एक तो आपने सही कहा है अच्छा और रहते हैं और ये कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ नहीं और ना और कुछ और हो मैं बड़ा अमीर इसके अलावा और इसके अलावा कुछ और यार मतलब बता तो दी है मेरे बारे में तुम्हें यही चीजें पसंद है देखना के सही से बताओ मुझे अच्छा तुम्हें मेरे बारे में ये बड़ा पसंद है कि मैं जो है वो लड़ाई नहीं करता ये गलत है कुछ और
आपका टाइम निकाल रहे हैं आप तो सोच के 10 मिनट में आपने कोई दो बताया, मैं आपका फेस डिप करने लगी हूँ। कोई नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता आपको मेरे बारे में। देखना गाइस यार, इसमें ना मुंह डालना बड़ा मुश्किल है, इसमें गोता लग जाता है यार बंदे को। यार ये क्या बात है गाइस, मुझे सिर्फ अभी तक एक दफा पाउडर लगाया है। हाँ। क्योंकि मैं सही बता रही हूँ अब तक। अच्छा। और आप सारे गलत बता रहे हैं। अब आपकी बारी है, अब आप पूछे क्वेश्चन। हाँ, बताओ ना मेरी जो क्वालिटी जो तुम। वो मैं एंड पर बताऊंगी, आप क्वेश्चन बताएं। इसे खुद भी कोई नहीं पता, मुझे सब इसे खुद भी कोई नहीं पता कि इसे मेरी क्या क्वालिटी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देखिए आप बताएं। नहीं भाई, अब तुम्हें बताना पड़ेगा ना, अब तुम बताओ ना मैंने जो गलत आप देख। आप मुझसे प्यार करते हो, मेरा ख्याल रखते हो, आप बहुत ज्यादा हैंडसम हो। ये तीन कितना मुश्किल थी, कोई मुश्किल थी है। ओके, अच्छा अगला मैं क्वेश्चन करता हूँ जी। दी आपको बारी, करें आप। मेरे तीन बिजनेसेस हैं, उनमें से मैं सबसे ज्यादा किसको लाइक करता हूँ? पीके लक्सेस। गलत है कोई? मैं तीनों बिजनेसेस को एक जैसा लाइक करता हूँ। चलो आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त हमारे पास यहाँ पर न्यूज है, वो ये। अगर आप चाहते हो कि इस तरह के लग्जरी गिफ्ट हम आपको डिस्पैच करें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो करना आपने सिर्फ ये है कि मिस्टर नुमान व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना है और हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अपने फॉलो करना है, दैट इज @ नुमान अलीम। इंस्टा पे फॉलो करके और मिस्टर नुमान व्लॉग्स को सब्सक्राइब करने के बाद आपने हमें वहां पर स्क्रीनशॉट शेयर करना है और आप में से 10 लोगों को हम लोग चूज करेंगे, जैसे ही 10 के सब्सक्राइबर्स होते हैं जो बिल्कुल करीब हैं, और इस तरह के लग्जरी गिफ्ट आपके एड्रेस पे डिस्पैच कर दिए जाएंगे। मैं किस दौर में सही वाला गरीब था? कभी भी नहीं। गलत, मैं गरीब था। अच्छा, तो ये वाक्या शुरू होता है नहीं तो ये किससे शुरू होता है? 2010 से। 2010 was very struggling because मैं अपने करियर के बिल्कुल स्टार्ट में था, along with that मैं स्टडीज भी कर रहा था, बट उस टाइम मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी। एंड यू गाइज वुड डेफिनेटली हार्ड टू बिलीव दैट, बट आई वुड इनकरेज यू टू वॉच दिस वीडियो। ऊपर आपको लिंक दे देते हैं, इस चैनल की सबसे बेस्ट वीडियो है। बेसिकली इट्स अ मोटिवेशनल वीडियो अबाउट माय जर्नी, दैट कैसे मैं यहाँ तक ट्रैवल करके आया। सो इट्स वेरी इंस्पायरिंग वीडियो। या आपने देखा मैं कितना आपको जानती हूँ, और आपको बस कुछ पता ही नहीं है मेरे बारे में। क्वेश्चन बता। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इस्लाम है। गाइस, ये आपको इस्लाम, ये इस्लामियत पढ़ने वाली लगती है आपको? इसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है ना वो है पंजाबी। नहीं, तीन होते हैं, तीन चांस होते हैं ना। मैं आपको सही वाला बताता हूँ। हाँ जी बताएं। इसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है ना वो इंग्लिश। अच्छा, अब आपकी बारी। मेरी बारी। सही बताया आपने। हाँ ठीक है, कुछ हद तक तो सही बता दिया। हाँ, कुछ हद तक सही बता दिया। मेरा लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, शुक्र है लास्ट। क्या मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ? गाइस, यही से अंदाजा लगा ले लड़कों के क्वेश्चंस कैसे से होते हैं। लड़कियां कितनी मासूम शरीफ सी होती हैं। शूज का साइज किया है, ये किया, वो किया। लड़कों के क्वेश्चन देख ले। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अब आपने भी आंसर में ये कहना, वाकई नहीं, मैं नहीं। मैं तुम्हारे मुंह पे पाउडर लगा रहा हूँ, दैट मींस को तुम सही कह रही हो। बिल्कुल नहीं, सीरियस हो के आपके, मैं नहीं चाहता, बिल्कुल सीरियस। नहीं नहीं यार, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता दूसरी शादी करना। वो देखो, मैं अगर शादी करना चाहता तो मैं पाउडर लगाता तुम्हारे मुंह तुम्हारा। मुझे किस चीज से ज्यादा डर लगता है? छिपकली से। इस तरह की सारी चीजों से आपने एक बताई, छिपकली, बिच्छू, सारे। इसको जानवरों से भी बहुत डर लगता है, और वो जो जानवर जिनको लड़कियां प्यार देते ना, इसको उससे भी बहुत डर लगता है। इसके सामने बकरी का मेमा ले आओ, बेबी शिपू ले आओ, कुछ भी ले आओ, इसके आगे भागेगी। गोद में उठाऊं, प्यार करूं, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती सब चीजें। कैसा, सही बताया ना मैंने? हाँ सही बताया, लेकिन लास्ट टाइम हम एक काम करते, ये उठा के आप लगाते। यार ये बहुत ज्यादा हो गया, पूरा फेस डिप करो। मुझे आपने कार्टून बनाया हुआ है पूरी वीडियो में। बस
Done? Done. So guys, that was everything about the how well we know each other. I इस hope इसमें आप लोगों ने बताना है कि हम दोनों में से कौन किसको ज्यादा जानता हाँ, है और कौन जीता है, क्योंकि हम लोगों के पास कलेक्शन का कैलकुलेशन का टाइम नहीं है. So इसके साथ इतना बहुत सारा ख्याल रखें. Bye bye.